हेलो दोस्तों, जैसे आप सबको बताया कि हमारे चैनल पे एलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप जी पधारे थे, वो भी कुछ देर के लिए। बट वो पधारे थे, उसके बाद हमारा चैनल भी ले गए अपने साथ में। बट उसका रीज़न क्या है, क्यों है और कैसे है, वो सब आपको नहीं पता। आप सबको भी, आप सबने जो मदद की है उस चीज़ के लिए शुक्रिया कहना चाहूँगा, और भी बहुत सारे लोगों ने हेल्प की है। बट वो सब हम जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे क्या हुआ हमारे साथ। और वो जानने के लिए वीडियो में आपको कुछ नहीं करना है, बस बने रहना है हमारे साथ, और लाइक करना ना भूलें, और शेयर और सब्सक्राइब ये ज़रूरी है, क्योंकि चैनल की रीच हमारे एलोन मस्क भैया ने हमारी चैनल की रीच ले ली है, और ट्रम्प जी ने भी हमारा हेल्प करी है इसमें। हमारी रीच आगे मरी हुई थी और मर जाएगी। इसके लिए आप सबको कुछ नहीं करना है, शेयर करना है इसको, और बाकी हम ट्राई करेंगे कुछ यूनिक करने का, उससे कंटेंट में थोड़ा बदलाव लाएंगे अब। कुछ सीन ऐसा था कि हमारा जो चैनल का, मतलब चैनल का अगर किसी को थोड़ा सा नॉलेज होगा कि क्या चीज़ होती है, चैनल का एक एक्सेस होता है, जैसे कि आप सब मैनेजर लिमिटेड कुछ दे सकते हो किसी दूसरी जीमेल पे कि आप इससे भी वो चीज़ देख सको, ठीक है। वैसे ही मैंने दे रखा था वो अपने खत्री भाई को जीमेल का, मतलब मेरी जो चैनल का एक्सेस था ना, पूरा एक्सेस वो उसे देख सकता था, वो अपनी जीमेल अपनी तरफ से भी। मेरी जरूरी जरूरी नहीं है मेरा वाला उसको जीमेल और आईडी पास लॉगिन करना पड़े, वो अपनी जीमेल से भी देख सकता था, ठीक है, उधर से भी वो लॉगिन कर सकता था, तो उसके पास भी एक्सेस था। तो सीन ऐसा होता है कि खत्री भाई का रूम का थोड़ा शिफ्टिंग चल रहा है, तो वो 2-3 दिन से पीसी बंद पड़ा है उसका। तो हम, मैं रात को सो जाता हूँ, वो भी सो जाता है। वीडियो अपलोड हम लगा देते हैं शेड्यूल पे, कितने पे, 9:19 पे, ठीक, 9:19 पे हम वीडियो शेड्यूल लगा देते हैं। बट सीन कुछ ऐसा होता है कि खत्री भाई को मेल आते हैं कोई 2:30 बजे के करीब, उसके स्क्रीनशॉट मैं आपको डाल दूंगा कि ये ऐसे करके मेल्स आए थे, ओटीपी आया था। उसके बाद सोचो चैनल हैक कहाँ से होता है, यूएस और रशिया की दोस्ती हो गई दोस्तों, ठीक है, रशिया से हमारा चैनल हैक होने की ट्राई होती है। और खत्री भाई की वो वाली जो मैनेजर वाली जीमेल थी जिसपे एक्सेस था पूरा चैनल का, वो चीज हो जाती है पूरी हैक, ठीक है। मेरी जीमेल मेरे पास स्टिल है, पासवर्ड मेरे पास है, मेरे जीमेल और आईडी पास को कुछ नहीं हुआ, बट मेरा चैनल वहां से पूरा उस पर एक्सेस आ गया, क्योंकि वो एक्सेस मैंने उस पर दे रखा था। और वो मेल वो पूरी हैक करके सुबह लाइव चला देता है, वो वाली डोनाल्ड ट्रंप और यूएस विनिंग वाली, जो आप सबको पता होगा, आप सबने देखा होगा, जिस चीज ने देखा होगा, बाकी मैं लगा दूंगा स्क्रीनशॉट्स। तो उसके बाद ऐसा होता है कि मेरे को जब पता लगता है, मेरे को फोन आता है कि भाई तेरे चैनल पे कल ते वो चल रही है, लाइव चल रही है, वो भी टेस्ला की और उसकी बिटकॉइन की। मैंने देखा कि भाई क्या हो गया, सुबह 8:30 बजे का टाइम था तब, ठीक। तो मेरे को फोन आता, मैंने उठाया, मैंने बोला चलो ठीक है मैं करता हूँ। मैंने भाई को फोन करा कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, तू जाके आईडी पास बदल दे और मैं ये चैनल की ये जो स्ट्रीम चल रही है इसको हटा दूंगा। तो मैंने पीसी ऑन नहीं करा, मैंने अपना आलस गुना दिखाया, वही अपना, मेरे को लगा क्या ये आईडी पास मेरे पास स्टिल है तो कुछ नहीं होगा, गलती क्या होती है हमसे। मैं जाके गलते वहां पे खत्री को उठाता हूँ कि खत्री को फोन करके बोलता हूँ खत्री भाई ऐसा ऐसा सीन चल रहा है। तो जाके वो भाई कल थोड़ा थोड़ा बाहर था, तो उसके पास वो स्ट्रीम डिलीट नहीं कर सकता था। मैं अपना पीसी ऑन ऑन करने में ना थोड़ा सा आलस कर देता हूँ, तो पीसी ऑफ खत्री भाई क्या करते हैं, वो जो दोनों करते लाइव चल रही होती है वो दोनों डिलीट मारते हैं, चैनल का नाम चेंज करके दोबारा टेस्ला से अंकुश एफएफ रख देते हैं, ठीक है। बट सीन वहां पे ऐसा होता है कि फिर मैं देखता हूँ कि वो शेड्यूल जो स्ट्रीम थी ना वो 13 तारीख की हो गई थी, जो 12 को होनी चाहिए थी। तो 9:19 हो गए थे, तब हो रहे थे 9:37, और 9:37 को मैं शेड्यूल को कर देता हूँ 9:39 का, और 9:39 पे जब मैं अपलोड मारता हूँ मेरा चैनल, मेरे को मेल जी मेल पे ऐसे करके मेल आती है, योर चैनल हैज बीन रिमूव्ड बाय वायलेटिंग हार्मफुल डेंजरस कंटेंट। भाई फिर मैं शॉक होता हूँ, वो जी मेल में पढ़ता नहीं हूँ, मैं सिर्फ शेड्यूल लगा के सो जाता हूँ। 10:30-11 बजे फिर से मैं उठता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि भाई चैनल हो गया है गायब, अब हम क्या करें। और यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे ट्विस्ट ये है, हमारे खत्री भाई हमको बताते नहीं है कि उनकी जीमेल से गलते वो हैक हुआ है। मैंने भाई को फोन करा कि भाई तूने इस पे सिक्योरिटी सारी लगा रखी है, गूगल की सिक्योरिटी की, पासवर्ड ऑथेंटिकेटर सब लगा रखा है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि मैं पहले ही बहुत सारी गलती कर चुका हूँ, मैंने अपनी फुल साइड से फुल सिक्योर रखा है वो, ठीक। बट यहाँ पे हमारे साथ ट्विस्ट ऐसा होता है कि हमें खत्री भाई बताते नहीं है कि उनकी जीमेल से हैक हुआ है। मेरे दिमाग में था ही नहीं कि मैंने मैनेजर दिया, मैंने दिया भी बहुत पहले था, आज का तो नहीं दिया हुआ है। फिर मैं सोचता हूँ कि यार क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, हम सारे बैठ के यहाँ पे डिस्कस करते हैं डिस्कॉर्ड पे कि कैसे हुआ क्यों हुआ, ऐसे करके 4 बज जाते हैं, हमारे पास सारे आते हैं, बहुत सारे बंदे आते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं जब जिम आ रहा था 6:30 बजे, 6:30 बजे जब मैं जिम जा रहा था, खत्री भाई मेरे को फोन करके बोलता है यार अंकुश भाई डीसी आओ,
आपसे कुछ बात करनी है, ठीक है? वहाँ पे भाई जी गेमर भी करके आते हैं, जो गलते उनका एक यूट्यूब मैनेजर के साथ कॉन्टेक्ट रहता है, तो वो सोचते हैं वहाँ से बात करेंगे, तो उसको लेके वहाँ पे बैठा होता है। तो वहाँ पे बात ऐसी चलती है कि खत्री भाई बोलते हैं, यार अंकुश भाई बात ऐसी है, जो मेरे जीमेल पे मैनेजर का एक्सेस था ना, मेरी जीमेल हैक हुई है। फिर सोचो मेरे अंदर क्या फीलिंग आई होगी कि भाई हम तब से सुबह से बात कर रहे हैं कि इसने ये बताया नहीं कि कैसे बोलता है, यार भाई मेरे को डर लग रहा था, मैं कैसे बोलूँ कि मेरी जीमेल की वजह से आपका चैनल उड़ गया ऐसे वैसे। कोई बात नहीं यार, बताना तो बनता था, बट कोई बात नहीं, उसकी भी गलती नहीं है इसमें और हमारी भी गलती नहीं है इसमें। गलती ये है कि हमने भी लापरवाही करी और उसने भी करी, और जीमेल उसकी पहले भी थोड़ा सा ऐसे हो गया, बट गलती किसी की नहीं है। गलती यहाँ पे है कि वो रातों रात हुआ, जब भी मैं सोता हूँ और उठता हूँ कुछ ना कुछ कांड होता है, इसलिए मैंने आपसे रात को सोना ही बंद कर दिया है। तो उसके बाद ऐसा होता है कि वो उड़ गई होती है, तो फिर बात ऐसी होती है, मैं भाई को बता नहीं पाता हूँ कि ऐसा ऐसा हो रहा है। भाई तो मेल पे मेल डाल देता है कि गलते कि ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है। हमने फिर ट्वीट वाला भी कर दिया, और ट्वीट पे भी वो सेम चीज़ बोल रहे हैं कि ये जीमेल रिकवर करो, ये चीज़ करो। जब मैं क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे एंटी बैकिंग हैक वाला जो वो होता है ना फॉर्म आता है, वो फॉर्म से गलते मेरे को अलग आ रहा था। और जब हर जिसकी जीमेल हैक उड़ी थी ना, मेरी जीमेल उड़ी थी, मतलब मेरी जीमेल नहीं उड़ी थी, मेरा चैनल उड़ा था, तो मैं जब खोल रहा हूँ ना जीमेल से उस वाले से, तो वहाँ पे मेरे को अलग सा फॉर्म आ रहा है, तो वो फॉर्म मेरे से सबमिट हो नहीं रहा था। तो मेरे को लग रहा था ये यूट्यूब वाले भी हेल्प नहीं कर रहे हैं, बट इन द एंड फिर हमने पता कुछ नहीं करा, हमने ट्वीट वाला सब कुछ ट्राई करके देख लिया, रीट्वीट्स भी है उस पर। सोचो रीट्वीट पे सब बोलते हैं ना कि इतना सपोर्ट करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, मैं मानता हूँ सपोर्ट करते हैं, पता है दिक्कत क्या है, फ्री फायर के ऑडियंस को ना रीट्वीट करना नहीं आता है। वहाँ पे जितना मैंने रीट्वीट देखा ना, वहाँ पे व्यूज़ पता है उस ट्वीट पे व्यूज़ पड़ गया था कोई 800-900 व्यूज़ होगा समथिंग, ठीक है, तो कोई रेगुलर यूज़ नहीं करता है इतना फ्री फायर से। तो वहाँ पे रीट्वीट पता कितना था, रीट्वीट से 30 था, समझ सकते हो 30। और वहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि किस किस बंदे ने रीट्वीट करा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जिसने जिस तरीके से सपोर्ट करा हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इन दैट पता बात क्या होती है, तो इस जगह पे मैं फंस गया, ट्वीट से भी इतना एफर्ट नहीं, उससे वो इतना हेल्प नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा रात को देखते हैं, सारे रात को फ्री होते हैं जितने अपने भाई हैं, जितने जान पहचान में, वो सारे ही रात को फ्री होते हैं। तो रात को हम सारे बैठते हैं, नौस्टा भाई आते हैं, गरीब भाई आते हैं, लुभी भाई आते हैं, और भाई जी गेमर आते हैं, और अपने दो तीन भाई और हैं, सारे मतलब बैठे होते हैं, हम 11-12 बंदे बैठे होते हैं। तो हम बात को डिस्कस कर रहे होते हैं, फिर वो फॉर्म बनने की पता क्या सीन होता है, हमारे दिमाग में आता है कि एक बार वो फॉर्म बना था किसी दूसरे के चैनल का, वो फॉर्म जो मेरे को लिंक दिया था ना यूट्यूब वालों ने कि इससे ये चेकिंग फॉर हैक वाला वो चेक करो, तो फिर वो अपना खत्री की मेल से उनको मेल करके देखी, क्योंकि मेरी मेल से तो वो रिएक्ट नहीं कर रहे थे, वो उन्होंने दो बारी डिनाइड कर दिया, तो मेरी वाली दोनों बारी डिनाइड कर दी और एक बारी 24 आवर्स के लिए पेंडिंग डाल दी। तो मैं सोचा यार इतना वेट कौन करेगा। तो फिर सीन ऐसा होता, फिर वो फॉर्म भरते हैं, ठीक है, वो फॉर्म भरते हैं खत्री की जीमेल से, और सब कुछ डाल के कि लास्ट टाइटल क्या था, बहुत कुछ, आईपी एड्रेस, वो ये सब कुछ, मतलब फुल डिटेल होती है ना, फुल डिटेल जो पिछले 3 सालों की होती है, जो दिमाग में आई होती है उन्होंने बनाते वक्त, वो हम डालते हैं और वो वहाँ पे मेल सेंड कर देते हैं। और हमारे साथ क्या होता है, सुबह सुबह हमें मेल आ जाती है 8 बजे कि हाँ आपका चैनल हैक हुआ है, आपको टेंशन की लेने की टेंशन नहीं है, बट फर्स्ट ट्राई ये होगी हमारी उस जीमेल को रिकवर करने की, उसके बाद हम आपका चैनल रिकवर करेंगे। तो भाई हमारी सांसों में सांस आती है, खत्री भाई, मैं और खत्री भाई दोनों नहीं सोए थे, समझ रहे हो, हम 1.5 दिन नहीं सोए हैं, उसके बाद मैं सोया हूँ 18 घंटे, मान सकते हो 18 घंटे सोया हूँ मैं, हम नहीं सोए भाई पूरे दिन रात हम नहीं सोए, हम सब लगे हुए थे कहीं से ना कहीं से कोई कॉन्टैक्ट निकाल के कि वो वापस आए, क्योंकि गलती मेरी भी नहीं थी उसकी भी नहीं थी, बस एलोन मस्क भैया हमारे चैनल पे आना चाहते थे, उन्होंने अपने पधारे और रीच की माँ बहने करके चले गए। तो आप सबको कुछ नहीं करना है, आप सबको बस एक सब्सक्राइब कर देना और एक शेयर कर देना इस वीडियो को, बाकी हम लाइव आएंगे कल से, और आपको बस यही करना है। और आपको अगर ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो, थोड़ी बहुत ही कुछ मज़ा आया हो, तो लाइक ज़रूर कर दें। बाकी मिलते हैं आपको कुछ यूनिक वीडियोस के साथ, अब से ये रेगुलर जो हम वीडियोस डालते हैं रैंक के, अब हम बंद करेंगे और लाइव करेंगे रेगुलर, और ये वीडियोस में अब हफ्ते में या हफ्ते दो हफ्ते में कुछ यूनिक ट्राई करेंगे, ठीक है, अब ये चीज़ पर हम नहीं रहेंंगे। समझ आ गया है कि ये चीज़ अब किसे जा रहे वेस्टेज लग रही है मुझे, थोड़ा एफर्ट करते हैं हम भी, आप भी थोड़ी सी हेल्प करें, हम भी अपनी तरफ से बेस्ट देने की ट्राई करेंगे। तो चैनल को बस यही करना है, आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अब आपको ही पता है रीच जा चुकी होगी, बहुत ज़्यादा जा चुकी होगी, आगे जा चुकी है, बट जब आप हमारे साथ हैं तो हम आपके साथ हैं, तो क्या टेंशन है, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल द एंड बाय बाय, सायोनारा मित्रो। और खत्री भाई को कोई कुछ ना बोले, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है और मेरी भी गलती नहीं है, ये बस इरादा एक ही था कि ट्रंप जी और एलोन मस्क हमारे चैनल पे आना चाहते थे, तो क्या कर सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो बाय बाय मित्रों।